तुम्हें चैनल। और गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट बेसन डोसा और अचारी मसाला, आलू मसाला। तो गाइस हमें उसके लिए सबसे पहले चाहिए, ये मैंने बेसन लिया है और मैं बेसन को इसमें डाल लेती हूँ एक बड़े बाउल में। और ये छोटी कटोरी में दही है, आधी से ज़्यादा है ये, इसको हम मिक्स कर लेते हैं दोनों को और इसको मिला लेते हैं पहले दही को अच्छे से मिला लेते हैं पहले। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको जब तक हमें फेंटना है, जब तक ये जो इसमें लम्स हैं ये सारे निकल ना जाए और इसका जो बैटर हमें पतला बनाना है। इसको पहले से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसमें से लम्स खत्म हो गए हैं ज्यादा, तो थोड़ा सा और फेटेंगे और इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे पानी। ये जो इसका बैटर रखना है हमें थोड़ा पतला ही रखना है जिससे कि हमें बनाने में बहुत आसानी होगी। तो ये देखिए, और अब हम इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे नमक। और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। आप ये देख रहे होंगे ये कितना पतला है, हमें इतना ही रखना है इसे। अगर हम ज्यादा रखेंगे तो वो काफी मोटा, उसकी जो बेस है वो काफी मोटा हो जाएगा। और अब हम इसको ऐसे ही 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, कम से कम 15 मिनट के लिए। और हम इतने अपना आलू अचारी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने गैस के ऊपर पैन रख दिया है और गैस ऑफ कर दी है। अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। और ये डालेंगे सरसों के दाने, राई बोलते हैं जिसे, राई, काली राई। इसे थोड़ा सा भूनने देते हैं हम पहले। और अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। आप इसे कट करके भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे डाल लें। और ये ऑनियन डाल देते हैं सारे, ये मैंने रख दी चॉप की थी। अब इसको हमें भूनना है। ये देखिए प्याज को हमें डालनी करना है, अपने सोते करना है, सभी को डालना है। तो अब जो ये हमने इसको भून लिया है और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, भून लेते हैं। और ये भी हमारी फ्राई हो गई है। और अभी जो आलू है ये इसमें डाल देते हैं, ये मैंने हाथ से ऐसे करके तोड़ लिए थे और अब हमें इसे भून लेंगे। ये देखिए अब मैंने इसको ऐसे करके मैच कर लिया अच्छे से। हम इसमें सारे मसाले डालते हैं, पहले निकाल लेते हैं सारा, उसके बाद जो मसाले हैं तो हम इसको डालेंगे सारे। चलिए थोड़ा
थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ हम लेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि मैंने हरी मिर्च 3 या 4 ली थी। और हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी और इतना सा साकर मसाला। इसको और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए हमने यहाँ आम के अचार का मसाला लिया है थोड़ा सा, और आप चाहे तो अमचूर भी डाल सकते हैं। वैसे एक बार आप आम का जो मसाला होता है या आपके घर में कोई सा भी मसाला हो उसको डाल के, मतलब कोई से भी अचार का मसाला हो उसको डाल के आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए ऐसे करके हम इसे भून लेते हैं अच्छे से पहले। ये देखिए आलू का बहुत ही खट्टा खट्टा टेस्टी डोसे का जो मसाला है वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने नॉन एसी को पैन में रख दिया है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। मैं आपको बैटर भी दिखा देती हूँ, बैटर कितना पतला होना चाहिए। ये देखिए जो इससे बहुत अच्छे से आपका जो डोसा है बेसन का डोसा बहुत अच्छा बनेगा, कोई लम्स नहीं है इसमें। ये देखिए तो चलिए अब बनाते हैं। हमने लिया है ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पे ऐसे डालेंगे। पैन हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना ना चाहिए, नहीं तो ये जो डोसा है ये बिल्कुल फैलेगा नहीं। ये देखिए बहुत आराम से ये बन जाता है। और आपको याद रखना है जो हमें डोसा बनाना है वो ऐसे कलर ऐसे तरह की जो कड़छी होती है ना उससे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और अब गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज कर देते हैं। ये देखिए अपने आप से जो ये किनारों की तरफ से उठने लगा है, और अब हम इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे किनारों पे। देखिए थोड़ा थोड़ा सा पकने लगा है, ये देखिए कितने आराम से तल है। बस आपको करना यही है जो आपका बैटर है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका गाढ़ा हुआ बैटर तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और ये देख आप देख ही सकते हैं कितना नीचे से क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहा है। तो हमें ऐसे ही इसे अभी पहले सीख लेना है, उसके बाद ही हम इसमें मसाला भरेंगे। आपने चावल और उड़द की दाल का डोसा तो खाया ही है, एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिए अपने घर पे। ये देखिए ये अच्छे से सिक गया है और अपने कोने जो है इसमें छोड़ देंगे। और अब हम इसमें जो है अपना मसाला आलू का मसाला जो है वो बनाएंगे। इसको आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं कम भी लगा सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऐसे भर लेंगे और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी है, देखिए जो हम बाजार में डोसा खाते हैं उससे भी ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी। और कितना पतला है आप ये देखिए। और इसको ऐसे करके हमें सेक लेना है। और इसको हम ऐसे करके पलट लेंगे एक बार, पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई देख आप देख सकते हैं। और हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए और ऐसे ही करके हम अपना डोसा भी बना लेते हैं। डोसा देखिए ये डोसा भी डोसा मैंने जो डाल दिया है और इसको भी मैं रेडी करती हूँ। अब इसके किनारे एक पके नहीं है क्योंकि जब ये पक जाएंगे तभी हम चेंज करेंगे इसे। ये देखिए इसके किनारे भी अच्छे से पक गए हैं और ये नीचे से भी अच्छा पक गया है।
तो मैंने पहले वाले डोसे में तो आपको दिखा दिया कि कैसे चेंज करते हैं इसे, और ये बहुत आसानी से उतर जाता है, तो ऐसे इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो, इसे कोई भी बना सकता है बहुत आसानी से अपने घर पे। तो अब हम इसको मसाले को ऐसे खोल लेते हैं जल्दी से। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे, पहले देख लेते हैं इसके किनारे उतरने स्टार्ट हुए या नहीं। ये देखिए एक तरफ से तो ये हो चुका है पूरा, थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। इसको सही से, इसको पैन को सही से करते हैं पहले, और ऐसे हम चेक करेंगे पहले साइड से। ये देखिए, ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे चेक करना है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ठीक है, बहुत आसानी से उतर जाता है ये। जहाँ जहाँ से ये सीखता जाएगा, ये वहां से अपने आप ही उतरना स्टार्ट कर देगा। अभी थोड़ा सा यहाँ से कच्चा है, तो अभी यहाँ से नहीं उतर रहा है, ये सब इसके कोने जो है पक चुके हैं, तो ये उतर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से भी ये पक चुका है, तो इसे हम ऐसे करके चेंज कर लें, ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। दूसरी साइड चेक करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब आप इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी जो हमारा दूसरे वाला डोसा है, ये भी बनके रेडी है। और आप देख रहे हैं तो अच्छे से सीख गया है, तो हमें पलटने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस ये देखिए हमारा डोसा बनके बिल्कुल रेडी है। गैस को मैंने बंद कर दिया है, और अब हम इसको थोड़ा सा सेकने के बाद प्लेट पे निकाल लेंगे।